नाजरीन कशिर खबरनामा हेत छुस साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर त खबरन हुन तफसील जानन ब्रो आख नजर चन खास खास खबरन पेट विश्व गुरु बनने बापत मसले कश्मीर हल करन जरूरी मुसलमान कुश त नाव बदली पॉलिसी सत न मुल्कस का फायद महबूबा मुफ्ती जम्मू कशीर में मंशियात इस्तेमाल आग बोर्ड चैलेंज मंशियात किस इस्तेमाल से कारोबार पर रोक लागू सटा जरूरी उमर अब्दुल्ला जेके रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी तरफ श्रीनगर में सालाना तकरीबी हूं सांस गुलिस्तान न्यूज हिंदिस एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर अलमदार कश्मीर अवार्ड सहित आमित नवाज नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में आज पीडीपी तरफ पार्टी हिंदिस यौम तासीस मौके पर तकरीब हुन सांझ करना आमुत यथ में पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती तो दोमो लीडर वालाओ वर्करों शिरकत कर आज मौके पर ये बे एक फिर पार्टी मंशूर हवाल कथन दल दिनाओ तत महबूबा मुफ्ती वोनमुत तम रोजन तोतम पाकिस्तान कत कान योतम जम्मू कशीर में लछवाद भारतीय फौजी मौजूद है इल जन तमो वन जी पीडीपी पार्टी च वाहिद पार्टी या जन जम्मू कश्मीर इन लोकन यस कत करान छे ऐसी इन्होंने स्ट्रिक्टनेस इतनी नाकाबंदी ऐसे लोगों को रोका जाता है क्यों क्योंकि बाहर दिखाना है कि हमने देखो जी इतने लोगों की यात्रा करवाई अरे गौमुख ग्लेशियर को देखो वहां आप 500 लोगों से ज्यादा दिन को जाने नहीं देते और यहां आपने कितने यात्रियों की जान चली गई जब आपने टेंट उस जगह लगाए जहां लगाने नहीं चाहिए थे तो इसलिए जब मैं पाकिस्तान की बात करती हूं और करती रहूंगी तब तक जब तक 10 लाख फौज हमारे सर पे बैठी है तब तक जब तक जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग का खड़ा बना हुआ है मैं बहुत नरमी से आपसे कहना चाहती हूँ अभी आप विश्व गुरु की बात करते हैं मुझे ये बताइए श्रीलंका में इतना बड़ा तूफान आया है इस वक्त अगर आप वाकई विश्व गुरु का रोल करना चाहते हैं तो आपने साथ की मीटिंग कॉल करनी चाहिए थी ताकि उनको लगता कि हिंदुस्तान हमारा सरदार है पाकिस्तान में क्राइसिस है माना कि वो आप उसको दुश्मन मानते हो मगर उसको अगर दुश्मन के साथ भी आप अच्छा बर्ताव करेंगे वो भी दोस्त बन जाता है अगर आप साथ के गुरु नहीं बन सकते तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे और अगर सबसे बड़ा चैलेंज कोई आपको है या इससे पहले रहा है जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक वो जम्मू कश्मीर का मसला हल करना है इसके बगैर और कोई नहीं है आप कितने मस्जिदें तोड़ के मंदिर बनाएंगे कितने मुसलमानों के घर तोड़ेंगे आप कितनी सड़कों के नाम बदलेंगे कितने शहरों के नाम बदलेंगे 2019 में 370 खत्म करके आपने जम्मू कश्मीर को कहां पहुंचाया है आज यहां तिरंगा लगाने के लिए आपको लोगों को धमकी देनी पड़ती है और कहते हो 20 रुपए दे दो अरे इतना महान झंडा है झंडे की कदर सब लोग करते हैं ये किसी मुल्क का झंडा हो उसको सब सलाम करते हैं मगर आपने इस झंडे को भी पॉलिटिक्स बना दिया अगर झंडा गाड़ना है तो जो चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे वहां जाके वो कब्जे से वापस लेके वहां झंडा गाड़ो ये छोटे छोटे बच्चों को ये दुकानदारों को धमकी देते हो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर इसके नतीजे बड़े खतरनाक होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्लाहन आज श्रीनगर में मुनद तकरीब दौरान वोनमुत जित पट नौजवान हिंद नशे में मुबतला सपदन रिपोर्ट ब्रो कुन तम मद्देनजर थवित प्रेत अकिस जीहस शहरियस यह जिम्मेदारी ज्यादा पे रोट लागन मं तम ब्रो कुन युत जन अमिक नाल गाल नहीं ये तो नौजवान पोई अमिनिश पोत रट नहीं मेरी ये मौतवाना उनसे गुजारिश होगी और मेरी ये मेरा मशवरा भी होगा कि वो एक दो खास चीजों के तरफ तवज्जो दें और उनमें अगर कामयाबी हासिल होती है तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के जो हमारे बाशिंदे हैं जो हम सब हैं हमें इसका भरपूर फायदा होगा
दो चीजें जो बहुत वक्त से मुझे परेशान करती आ रही हैं, जिनका अभी तक हम कोई इलाज निकाल नहीं पाए। एक जो हमारे बच्चों को नशीली दवाइयों का जो एडिक्शन, जो ड्रग एडिक्शन जिसकी हम बात करते हैं, हम कभी अल्फाजों में ये बात करते हैं, खुली बात करना नहीं चाहते, शायद ये सोचते हुए कि अगर हम खुलेआम ये बात करेंगे तो शायद बदनाम होंगे या अपनी सोसाइटी को बदनाम कर रहे होंगे, या शायद ये प्रॉब्लम है नहीं तो हमें इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ जगहों पे नशीली दवाइयों का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे बच्चों को जो टेंशन, चाहे वो पढ़ाई का टेंशन हो, चाहे वो हालात का टेंशन हो, चाहे वो घरेलू मसलों का टेंशन हो, वो टेंशन दूर करने के लिए कुछ, मैं नहीं कहूंगा सब, मैं नहीं कहूंगा ज्यादा, लेकिन कुछ हमारे बच्चे जो है नादान, उनको गलत रास्ते की तरफ लिया जाता है और नशीली दवाइयों का जो है उनको इस्तेमाल जो है सिखाया जाता है, जिससे उनकी उनका मुस्तकबिल जो है, उनका फ्यूचर जो है वो खतरे में डाला जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है। और इसका इलाज जो है सिर्फ एक मजहब के पास नहीं है, सिर्फ एक तबके के पास नहीं है, सिर्फ एक इलाके के पास नहीं है, सिर्फ एक सियासी पार्टी के पास नहीं है, एक समाज के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर हमें इन लोगों की भरपूर मदद करनी होगी। सबसे पहले तो उनकी, जो शायद ये सोच रहे होंगे इसको इस्तेमाल करने का लेकिन जिन्होंने अभी तक किया ना हो, उनको रोकना, और फिर जो बदकिस्मती से इन चीजों के शिकार हो गए हैं उन्हें इससे बाहर निकालना, ताकि हम उनको उनका मुस्तकबिल जो है वो लौटा सके। मुझे लगता है अगर हम ये काम जो है अपने हाथ में लें और हम सब ये तय करें कि जहां पे भी हमें लगे कि नशीली दवाइयों का खरीद फरोख हो रहा है, नशीली दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, या कोई नौजवान गलत फहमी में आके इसके इस्तेमाल के बारे में सोच भी रहा है, तो हमें फटाफट इसमें कार्रवाई करके उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि इसका इस्तेमाल न सिर्फ हम कम करें बल्कि इसको हमें रोकने का काम करना होगा, तभी जाके हम जम्मू कश्मीर। गुलिस्तान न्यूज ये प्रेत विजि प्रेत प्रोग्राम में लूकन हिंद मसल मसाइल बतलावान तथा आज गुलिस्तान न्यूज हिंद एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर अलमदार कश्मीर अवार्ड सहित नवाजना आमित या दौरान तकरीब में मौजूद जिम्मेदार तरफ वन आव माह मुबारक में गुलिस्तान न्यूज तरफ खसूसी प्रोग्राम सांस कर आमुत तो ये वजह प्रोग्राम एंकर इशफाक गौहर अमे अवार्ड बाप मुंतखब कर आमित जन अत मौक पे गुलिस्तान न्यूज हिंद तारीफ कर वन आव सियासी समाजी तो मजहबी मामलात सत्य गुलिस्तान न्यूज लूकन हिंस आवाज बन पत्मो कहो वो पे काम कर यम सरकारस सरकार मस अवामी मसल अंजरा आसानी सपदान यप इशफाक गवरन अत मौक पे पन्न खयाल इजहार करान वोनमुत Miss Shamla Mufti, Shah Faisal, Naseema Lankar, etc. Today also we have also come with some awards. So, our first award, Alamdar Kashmir Award, goes to Jinab Muhammad Ishfaq Gawhar, Executive Editor, Gulistan News, for a successful program delivered on TV Gulistan during the month of Ramadan. He is not here present here, I think. So on his behalf, Firdaus Ahmed is going to receive the award because his flight is late. Now, Mr. Firdaus Gawhar, give a big hand. Dr. Geeja Dhar, Dr. Sushil Ratan. Bishop, mashkur mamnoon Rural Development Society hind and zimmedaran hun alal khusus Mubarak Gul Sohun. और तम सर्ज यूनिस सोबन और तमि कमीटी हिंदन जिम्मेदारन हुंद यमन ये काम उसक दिसमस की तिम छानन तिमन नफरन यम एट कैटेगरी फॉल इस करा में अवार्ड खतरे फॉल इस करा निम अवार्ड खतरे क्वालिफाई इस करा
और यम साथ में ये पता लोग और यम साथ जितने दो ब्रोम ये मुन नाव कि तू नाव शेष कुर्मुत शॉर्टलिस्ट एम अवार्ड खतर इन बहुत इनते ही कोशिश करान कि बगोसु जदी तौर आत फंक्शनस अंदर शामिल गसुन क्योंकि के मसरूफियात सब के तकनीकी मसरूफियात सब जिन किन बराज मौकस पर तौर हुए थे कुछ स्कीन लेकिन बशुस इनते ही दिल के इमी गहराइयो शुक्रिया अदा कराना तमी जूरी कमेटी हुन तिमन लूकन हूँ यमो मो नाव चोर और खसूस अमे सोसाइटी हूँ यम हमेशा शान बशान रूद कुनू शत शुनमत पेट ये कम करान ये तम ब्रोह तम करान लेकिन शुनमत पे रूद ऑर्गेनाइज मेंडरस में कम करान बस इंतहाई मशकूर तिहुन और ये अवार्ड सिर्फ जैती तौर मोन के अलमदारी कश्मीर अवार्ड इस तथ नाव सनसूब यथ जम्मू कश्मीर कें लुकन हिंद दिल धड़कान हजरत अलमदारी कश्मीर सब और यह प्रोग्राम दिन आमुत सह नूर रमजान उस पत्मो वाल पे रमजान ट्रांसमिशन के नाम चलावान मे उम्मीद कि अल्लाह तबारक व तआला त कर शर्फ कबूलियत इख्तियार और उस मोहब्बत उस खलूस तुम अस हमेशा दिव और इत पे हौसला अफजाई करान अमे खतर सेठा सेठा शुक्रिया तुम पी एम पैकेज तहत काम करने वाले मुलाजमों तरफ आज शेखपुर बड़गमस में जरा इबलाग सरान सरकार खर मकदम करान वोमुत जोदव सरकार तरफ पी एम पैकेज तहत काम करने वाले पांचन मुलाजमन हिंस प्रमोशन कर तम जम मुंतकिल कर आई इथे पजि दोमन मुलाजमन हिंदिस हकस मज फसल नुन युत जन तम पैद सपुदमुत तशवीश दूर कर यो मुलाजमों तरफ वन आव योतान सरकार तरफ प्रेत अकिस मुलाजम सकस मज यह फसल नुन यी तोतान रोज तिंद एहजाज जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं देरी सही मगर दुरुस्त आए सरकार ने आप देख रहे होंगे मेरे पास एक ऑर्डर पड़ा है इस ऑर्डर में तीन हमारे ही पीएम पैकेज के मुलाजिम हैं एक ऑर्डर मेरे लेफ्ट में है एक मेरे राइट में टोटल पांच बंदों का ऑर्डर निकला है इट इज़ अ रिलोकेशन उनको रिलोकेट किया गया जम्मू में ये हमारे जो अभी रिसेंटली प्रमोटेड एज हैं उनको जो है प्रमोट करके उनको रिलोकेट करके भेज दिया गया है जम्मू अब उनको जो काम है जम्मू में करना है दैट मीन्स गवर्नमेंट ने हमारी सुध लेना स्टार्ट कर दी है फिलहाल उन्होंने हमारे पांच पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को जम्मू रिलोकेट कर दिया है तो अब हमें ये आशा है कि जिस तरह से इन पांच भाइयों को जम्मू या भाई उसमें बहन भी है उनको जम्मू भेजा गया है इसी तरह से धीरे धीरे पाँच पाँच दस दस लोगों को अभी उम्मीद जागी है कि जम्मू रिलोकेट कर दिया जाएगा इसलिए आपके माध्यम से हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं जी बिल्कुल यहाँ से तो यही उम्मीद दिख रही है ना देखिए आप देखिए अगर ये पाँच बंदे पी एम पैकेज के ही हैं अगर इनको जम्मू भेजा गया दैट मीन इट इज़ अ रिलोकेशन प्रोसेस दैट हैज़ बीन स्टार्टेड तो अब हमारे अंदर ये उम्मीद जाग चुकी है कि ये रिलोकेशन अब धीरे धीरे सरकार ऐसे ही करेगी और साथ में एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस ऑर्डर से एक और बात क्लियर हो गई कि SRO 412 के तहत जो हमसे बॉन्ड लिया गया था वो बॉन्ड भी नॉन लैंडमाइंड होता है इस ऑर्डर के जरिए जो हमें समझ आ रही है क्योंकि बॉन्ड यही कहता है कि हमें कश्मीर में ही जॉब करनी है तो अगर इन पांच भाइयों या और बहन को जम्मू भेजा गया है दैट मीन्स ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाता है तो ये सबके लिए हो रहा है तो ये भी खुशी जी नहीं प्रोटेस्ट चलता रहेगा तब तक जब तक हमारे हर एक भाई बहन को जम्मू रिलोकेट नहीं कर दिया जाएगा ये तो एक चिंगारी है हम तो चाहते पूरा शोला बन जाए और हम सभी भाई बहनों को जम्मू रिलोकेट कर दिया जाए तब तक हमारा जो ये प्रोटेस्ट है एहतजाज चलता रहेगा ये टेंट तब तक लगा रहेगा सीरीकल्चर महकमस मज काम करन वालों डेलीवेज मुलाजमों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहजाज मुजाहिर करना आमुत यह दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान एहजाज में शामिल मुलाजमों तरफ वन आमुत जो यदि तम महकमस मज पी फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम चुन पत्मो कईह रेतों पे तिंद तनख्वाह वागुजार कर आमुत यम किन तम सड़कन पे इन मजबूर सपद एहजाज में शामिल मुलाजमों तरफ एल जी इंतजामिया मांग कर आम तनख्वाह वागुजार करने सवाल संजीदह कदम तुलने ये युद्ध तम बुन वाल मुश्किल दूर कर सर मेरा नाम गुलाम मईदीन शेख है मैं स्टेट प्रेसिडेंट सेरीकल्चर हूँ आज जो हमारा सेरीकल्चर से के जो आर्जी मुलाजमीन है वो आज यहाँ प्रेस क्लब में श्रीनगर में आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका एक मेन मोटिव यह है कि जो हम थ्रू आउट द ईयर काम कर रहे हैं लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि अभी तक भी हमारे कैजुअल सीजनल डेली वेजेस को थ्रू आउट द ईयर वेजेस रिलीज नहीं हुई है
ये तो आलमिया है यहाँ के सरकार 28 डिपार्टमेंट्स के करीब जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो 12 मंथ अपनी वेज उसको ले रहे हैं, लेकिन अलमिया है यहाँ के सरकार पे, अलमिया डायरेक्टर साहब है, अलमिया कमिश्नर साहब है, जिन्होंने अभी तक भी हमारे सीरीकल्चर के आर्जी मुलाजमीन को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की, इनको कुर्बान करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले जमाने में कहा करते थे कि बेगार लिया जा रहा है, आज मुझे लग रहा है कि आज सीरीकल्चर कैजुअल लेबर से बेगार लिया जा रहा है। मुझे नहीं लग रहा है वो टस से मस हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक अफातफीम के जरिए से अपना मामला हल करना चाहा, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि उन्होंने गुंडागर्दी का आलम दिखाकर हमें रोड शो करने पे मजबूर हम हो गए। अगर आज हमारा मसला हल नहीं हुआ, आज के बाद अगर हमारा ये 12 मंथ की डिमांड जो है कंप्लीट नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में हम काम छोड़ हड़ताल कर देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आला अफसरान पे आयत होगी। जेके रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी तरफ आज डेंटल कॉलेज श्रीनगर के ऑडिटोरियम में वालदेन हिंद दोस हवाल सालान तकरीबी सांस करना आमुत तंजीम हिंदो जिम्मेदारों वालदेनों तलब इलमो तो सियासी समाजी तो मजहबी शख्सियतों शिरकत कर अत मौक पे ये वालदेन हिंद हकूकन तो समाजी बुरोन हवाल कथन दल दिन आव तुम वन आमुत सोसाइटी तरफ चया फलही काम तंजाम दिन समाज में रोजन वाल गरीबन तो मुस्तक लूकन तुन हद तम राहत वातन यल जन अत मौक पे तलब इलमो तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश कर आए। जिनके सर पे ममता हूँ मैं शीर के अल्लाह तआला अलैहि वसल्लम जम्मू के और पैदर्स डे का फंक्शन था, ये तो हम हर साल माला देते हैं। सबसे पहले इसमें कि ये होता कि बच्चों के को क्या वालदेन के हवाले से क्या फ़राइज़ हैं उसको इस्लाम के रूह से इंसानियत के रूह से हम इस पर रोशनी डाल लेते हैं। और जो हमारा प्रोग्राम है ड्रग एडिक्शन के हवाले से या एनवायरमेंट को बचाने के लिए रोड स्नो कम करने के लिए या सुसाइड को ये चेक करने के लिए भी हमारा ये प्रोग्राम था, ताकि हम बच्चों में ये अवेयरनेस पैदा करें कि ड्रग लेने से इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होती है, उसकी खानदान ही ख़त्म होता है, सोसाइटी में उसका नाम ही नहीं रहता है और ये हराम है, सोसाइटी भी हराम है। एक तो ये था। दूसरा था हमने इसमें अवार्ड रखे थे आज, जिसमें हमने अलमदार कश्मीर के, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को अपनी जो आइडेंटिटी है, अपना जो हमारे यहाँ पर जो कल्चर है, उसको थोड़ा सा हमें उसके ऊपर काम करने का मौका मिले। इसलिए आलमदार कश्मीर की जो जो नई तालीमात है उनको हमने सीखना चाहिए, उसमें बड़ा एक फ़लसफ़ा है हमारी ज़िंदगी के लिए। इसलिए हमने आलमदार कश्मीर के नाम से एक अवार्ड रखा। और आज हमने देखा कि गुलिस्तान का एक प्रोग्राम था, रमज़ान मुबारक, जो बड़ा लाइक किया गया और लोग देखते थे उसको काफ़ी, मैं भी देखता था। और हमारी जूरी ने फैसला किया कि इस बार हम आलमदार कश्मीरी मजहबी अवार्ड है उसको गवर्नर साहब को हमने उस प्रोग्राम के लिए दिया है। दूसरा हमने देखा कि एक हमारे एक कादरी साहब है, उन्होंने कुरान शरीफ को गोजरी में तर्जमा किया, जो बड़ा इसका हो गया, ये उसके बड़ी ज़बरदस्त ये हो गया, लोगों ने बड़ा उसके खैर मुकदम किया। और जो हमारे गुजर इलाके के लोग हैं, हमारे पहाड़ी गुजर वगैरह बकरवाल, उन्हें बड़े खुश हो गए, तो उसको हमने इस काम के लिए दूसरा अवार्ड दिया। तीसरा हमने, क्योंकि हम चाहते हैं कि कल्चर अपना लालदद का भी एक फ़लसफ़ा है, और उसमें भी हमने एक अवार्ड रखा है, वो हमने इस बार हामिद कश्मीरी, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और बड़े माने हुए कश्मीर के उर्दू के अदीब थे और बड़े शायर थे, उनको दिया, उनकी वोत हो गए हैं, उनके भी दिया। और मादर मेहमा अवार्ड भी दिया हमने, वो जो हम टूरिस्ट जो बचाने की कोशिश की गई उसने, गुलजार अहमद ने, तो वो खुद वो फोत हो गया। मैंने कहा उसने इतनी डेडिकेशन दिखाई, जो बदनाम किया जा रहा है कि कश्मीर में उसने नहीं देखा कि कौन है, कौन डूब रहा है, उसने उसको बचाने की कोशिश उसको दिया। और तीसरा जो हमने दिया इसमें, जो क्रिकेट प्लेयर है वो नहीं था यहाँ पे, जो उमर मलिक जो पहली बार टीम में सिलेक्ट हो गया, कि अच्छा स्पोर्ट्स के हवाले से हमने कहा कि थोड़ा बच्चों को। नाजरीन कशर खबरनाम से जारी है तनिमो तजारती वक्फ़।